हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जिसे कि रेस्टफुल एपीआई से भी जाना जाता है। आर ई मीन रिप्रेजेंटेशनल, एस मीन स्टेट, टी मीन्स ट्रांसफर। तो इस तरह से हम सीखेंगे रेस्टफुल एपीआई किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो व्हाट इज रेस्टफुल एपीआई, क्या है रेस्टफुल एपीआई? टू कंप्यूटर सिस्टम्स यूज रेस्टफुल एपीआई टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली ओवर द इंटरनेट। दो कंप्यूटर सिस्टम जो हैं, ये रेस्टफुल एपीआई को उपयोग करेंगे जब भी इन्होंने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। कोई भी दो कंप्यूटर जब भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो रेस्टफुल एपीआई को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट बिजनेस एप्लीकेशंस हैव टू कम्युनिकेट विद अदर इंटरनल एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस To perform various tasks. कई बिजनेस की एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिन्हें की थर्ड पार्टी की एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने कई सारे टास्क को पूरा करने के लिए, जो कि रेस्टफुल एपीआई उनको मदद करती है। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। टू जनरेट मंथली पे स्लिप्स, मंथली पे स्लिप बनाने के लिए आर इंटरनल अकाउंट सिस्टम हैज टू शेयर डाटा विद आर कस्टमर्स बैंकिंग सिस्टम। मंथली पे स्लिप बनाने के लिए हमारे अकाउंट सिस्टम को हमारे कस्टमर के बैंकिंग सिस्टम के साथ अपना डाटा शेयर करना पड़ता है। तो रेस्टफुल एपीआई जो हैं, ये सपोर्ट करती हैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये हमें रेस्टफुल एपीआई प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से डेवलपर जो हैं, वो कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर पोस्ट अपडेट्स कर सकते हैं और सोशल नेटवर्क का डाटा असेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। और इसी तरह से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि पेपल, स्ट्राइप, ब्रेन ट्री, ये भी रेस्टफुल एपीआई प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स के लिए, ताकि वो सिक्योर पेमेंट की ट्रांजैक्शन कर सकें और रिफंड हैंडलिंग जो है वो भी सिक्योरली हो सके। तो इस तरह से डेवलपर अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू इन पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन को सिक्योरली हैंडल करते हैं। और रेस्टफुल एपीआईज जो हैं, किस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं? गूगल मैप्स, मैप बॉक्स एंड ओपन स्ट्रीट मैप प्रोवाइड रेस्टफुल एपीआईज। ये भी रेस्टफुल एपीआईज प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स के लिए, ताकि वो मैप्स एम्बेड कर सकें अपनी एप्लीकेशंस में और रूटिंग फंक्शनैलिटीज भी ऐड कर सकें अपनी एप्लीकेशन में। तो इस तरह से आपने आज जाना कि रेस्टफुल एपीआईज क्या हैं और किस लिए ये इस्तेमाल होती हैं। तो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।